वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट एंड एनिमी में। पेरेंटिंग सेक्शन शुरू किया है मैंने और दो तीन वीक से मैं पेरेंटिंग के ऊपर कुछ बोल रही हूँ। कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, अभी तक नापसंद का तो ऐसा कुछ कहा नहीं है किसी ने। तो पेरेंटिंग सेक्शन में आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वह है ज़िद। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ दिन तक मैंने जॉब किया है टीचर की और मेरे दो बच्चे हैं, तो टचवुड बच्चों ने तो मुझे ऐसा ज़िद का कुछ किया नहीं, क्योंकि बच्चों से, जैसे मैंने कहा आपसे कि पहले से ही मैं दोस्ती का रवैया रखती हूँ बच्चों से, तो ज़िद ऐसे मैंने उनकी बहुत ज़्यादा टैंट्रम वाली ज़िद देखी नहीं। लेकिन जब मैं एज अ टीचर काम करती थी तो कई पेरेंट्स मेरे पास आते थे, जैसे PTM है, ऐसे नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी, तो एक नॉर्मल मुद्दा हमेशा आता था कि बच्चे ज़िद करते हैं कोई भी चीज़ को लेके और सडनली ज़िद शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ पर खड़े हैं, क्या सिचुएशन है, बस उन्हें। और जब मेरी डीलिंग होती थी जिन बच्चों के साथ में, वो नॉर्मल 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6, जैसे प्ले स्कूल है, जो बच्चों का बेस स्टडी हो रहा होता है उस टाइम में, तो बच्चे ज़िद करते थे। वो पेरेंट्स उस टाइम में समझ नहीं पाते थे कि एग्जैक्टली वो क्या करें। तो जब PTM होता था तब ये बातें आती थी सामने से, तो उस टाइम पे एज अ टीचर हम लोग क्या उनको सजेशन देते थे और वो सजेशन सच में क्या वर्क होते थे? हाँ, हम लोग सजेशन देते थे। मैं जैसे मैं एज अ मदर भी, मुझे मालूम है कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, और एज अ टीचर भी जब हम उन एज के बच्चों की स्टडी करते हैं, हमारे पास जैसे जैसे केस स्टडीज आते रहती हैं, हम उनके बच्चों की स्टडी एज अ टीचर भी हम लोगों की चालू रहती है, और एज अ मदर तो हम बच्चों को पाल ही रहे होते हैं। तो दोनों का वर्क उस काम पर जब हम लोग करते हैं तो उस पर वो वर्क ज़रूर करता है। ठीक है, हम लोग जो उनको सोल्यूशन बताते थे वो ये इसी तरह का रहता था कि पहले तो आप देखो कि वो एग्जैक्टली उनकी ज़िद कौन सी चीज़ को लेके हो रही है, क्यों हो रही है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते जो बच्चों की उस टाइम में डिमांड रहती है, तो वो लोग नहीं दे पाते, उस टाइम में उन्हें कोई और संभाल रहा होता है। तो बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं, वो ज़रूरी एज जो है बच्चों की ग्रोथ की एज, ग्रोइंग एज में पेरेंट का उनके साथ में होना मस्ट है। अगर नहीं है तो भी उनके साथ टच में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि दोनों पेरेंट अगर जॉब कर रहे हैं तो जब शाम में आ रहे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं अगर हमें खाना नहीं खाना है तो ठीक है, बट आपको क्या खाना है बता दो। तो फिर वो बोल देते हमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, तो फिर फ़ोन कर दिया, मंगा लिया। तो उस टाइम में तो वो नॉर्मल डिमांड होती है, बाहर गए तो हाँ मुझे ये खिलौना चाहिए, तो पेरेंट तो पैसा तो काफ़ी है तो भैया ठीक है, और बच्चों को पैसे से भी ज़्यादा बच्चे उस टाइम में लगता है कि हाँ मैं बच्चे हम बच्चों को बहुत प्यार करते, बच्चों की कोई बात हम टाल नहीं सकते, तो ले दिया। अब इस तरह से इन लोगों की डिमांड स्टार्ट हो जाती है, बच्चों की डिमांड स्टार्ट हो जाती है, तो वो डिमांड धीरे 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 डेवलप होती है। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, बच्चों के शौक़ भी डेवलप होते हैं, बच्चों की नीड्स भी डेवलप होती है। अब वो कौन से टाइम पे उनके कौन से शौक होंगे, कौन सी नीड्स होंगी, वो हर एक बच्चे का अपना सोचने का तरीका होता है, सोचने का रवैया होता है, हर एक पेरेंट की हैंडलिंग अलग अलग तरह से होती है। तो बस स्टार्टिंग यहीं से होती है कि आप बच्चे ने बोल दिया, आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, बच्चे ने बोल दिया, आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। अब जब बच्चे बड़े होते हैं, इस एज में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि बस अब इन्होंने रुक जाना चाहिए, इन्होंने बेफिजूल की ज़िद नहीं करनी है या बेफिजूल की डिमांड नहीं करनी, तब जब आप उन्हें मना करने जाते हो तो बच्चे टैंट्रम क्रिएट करते हैं। तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो बच्चों की परवरिश की, अगर आप स्टार्टिंग है आपकी, तो आप देखो कि पहले तो आप उनको टाइम दो, आप उनसे कम्युनिकेशन करते रहो। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो किसी वजह से तो बच्चों से एटलीस्ट कम्युनिकेशन करो, दिन में आधा घंटा, एक घंटा, जब भी आप ऑफिस से आते हो, अपने काम से आते हो, थोड़ी देर किचन में काम करते करते आपके साथ बैठ के थोड़ी देर उनके साथ बातें कीजिए, ताकि आप बच्चों को समझ सकें, आप बच्चों की मेंटालिटी समझ सकें। अगर आप उनकी मेंटालिटी नहीं समझ पाएंगे तो आपको उनका हैंडल करना थोड़ा बहुत तकलीफदायक होगा ही, नॉर्मली तकलीफदायक नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा केयर हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम कहाँ, मतलब क्या चीज़ हमसे छूट गई। तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक आप बच्चों को नहीं समझ पाओगे। और जब बच्चों को, जैसे मैंने कहा, आप उनकी हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो पहले तो आपको अगर सच में लगता है कि हाँ वो मस्ट है तो आप वो प्रोवाइड करो। अगर अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि नहीं इससे बच्चों को ये नहीं है बच्चे के लिए ठीक, तो आप उसको मना कर रहे हो तो समझा के मना करो। डायरेक्ट अगर आप मना करोगे तो वो नहीं सुनेगा, कोई भी हो, बच्चा हो, बच्ची हो। अगर आपसे और मेरे से कोई डायरेक्ट कोई भी चीज़ मना करेगा तो हमें भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी। तो बच्चों की भी मेंटालिटी यही रहती है कि सडनली हमें क्यों मना किया जा रहा है। तो बच्चों को अगर आप कोई चीज़ मना कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न उसे ज़रूर बताइए, क्या रीज़न है, क्यों रीज़न है, और
क्यों आप मना कर रहे हो? बच्चों की जो जिद है, जिद वही आती है कि बच्चों की डिमांड पूरी नहीं होती तो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। पहले तो आपने उनकी डिमांड बहुत सारी पूरी कर दी, अब जब उन्हें समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ मैं जो बोलूँगा, मैं जो बोलूँगी वो होगा ही, अब जब वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो उनके अंदर का जो मतलब गुस्सा है या अग्रेशन है वो अलग अलग तरीके से बाहर आ रहा है। तो स्टार्टिंग आपको यही करनी है, इतनी बात बढ़ने के बजाय जब जब आप मना कर, चार चीज़ें अगर आप हाँ कर रहे हो तो एक आध चीज़ को अगर आपको लगा है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है तो आप उस टाइम में उसको प्यार से पोलाइटली मना कर दो और उसके पीछे का उसको रीज़न बताना स्टार्ट करो। धीरे 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 ये आदत आपकी भी डेवलप होगी, बच्चे की भी आपको सुनने की आदत डेवलप होगी। देखिए हर चीज़ को स्टार्टिंग टू एंड अगर हम सोचें तो काफ़ी चीज़ों के सोल्यूशन हमारे पास ही रहते हैं, बस हमें वो दिखते नहीं। तो आपको जब बच्चों की परवरिश आप कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो ये जो सिचुएशन होगी कि बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, ये पॉइंट आप कभी आपको शायद फेस ही ना करना पड़े। आशा करती हूँ मेरी बात आपको ठीक लगी होगी। अच्छी लगती है तो बताइए, नहीं लगता है तो भी बताइए, तो मैं अपने काम में और इम्प्रूवमेंट की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हो सकता है मेरा ये सजेशन या ये जो मेरी ट्रिक थी, जो मैंने जिस तरह से अपने बच्चों को संभाला है, मैंने अपने स्कूल के बच्चों को भी जिस तरह से गाइडेंस किया है उनके पेरेंट्स को बच्चों के लिए, तो उन्हें तो वर्क ज़रूर की, मुझे भी पर्सनली वर्क की, हो सकता है ये आपको भी वर्क करे। नमस्ते।